Hello Virgos, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good and happy new year. ये आपके नए साल के नए मंथ की रीडिंग है जनवरी 2022 और ये जनरल रीडिंग होगी जैसे कि आपको पता है और यहाँ से रेजोनेट कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप मुझसे रीडिंग्स लेना चाहते हैं पर्सनली रीडिंग, उसके लिए भी मेरा इंस्टाग्राम लिंक मौजूद है और अगर आप मुझे डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे पेपाल लिंक में डोनेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ये रीडिंग जो है थोड़ी डिफरेंट स्प्रेड से होगी, फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज एंड लास्ट 10 डेज। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग फॉर वीर्गो। फर्स्ट 10 डेज फॉर वीर्गो, व्हाट आर द मैसेजेस फर्स्ट 10 डेज ऑफ वीर्गो? मैसेजेस फॉर वीर्गो फॉर फर्स्ट 10 डेज ऑफ जनवरी 2022, till 10 days of January 2002 are the messages for Virgo for middle 10 days of 2022, January 2022. Last 10 days for Virgos for January 2002. Last 10 days. Okay. अंडरनीथ यू आर हैविंग पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स है आपके अंडरनीथ एक कार्ड्स में। लेट्स सी के आपके फर्स्ट 10 डेज की क्या एनर्जीज हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, एस ऑफ वॉन्ट्स, हाई प्रीस्टेस। ओके फाइव ऑफ वन एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। सो आप किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ डिस्टर्ब हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई फाइट है या कंपटीशन है। आप कोई कंपटीशन है आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है ये कंपटीशन। बहुत से कंपटीटर्स आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं और आप जो है उस पे उस कंपटीशन को विन करने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश करना चाह रहे हैं। अगर वर्क प्लेस की बात की जाए तो आपकी उस कंपटीशन के ऊपर मतलब आप काफ़ी अरसे से आप देख रहे हैं, आपकी आपने नज़र रखी भी है और अब आप उस पे हिस्सा लेना चाह रहे हैं। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हो सकता है ये कि वो कोई एंट्री टेस्ट वगैरह के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं, उसमें विन करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं कि आप इन फैमिली इश्यूज को रिजॉल्व करने के होने के लिए के इंतज़ार में हैं। लाइक आप इंतज़ार में हैं कि कब ये इशू और प्रॉब्लम जो भी है, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, ये इसके आप रिजॉल्व होने के इंतज़ार में हैं और जस्ट आप कुछ कर नहीं रहे हैं इस मामले में। आपने नज़र रखी हुई है कि कब रिजॉल्व होता है। सो आपका एक्शन जो है वो फर्स्ट 10 डेज में बिल्कुल ही टोटली जो है वो लाइक इमेच्योर सा है। आपने उसमें कोई एक्शन, आप कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप जस्ट डिवाइन हेल्प के इंतज़ार में हैं कि वो खुद ही चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। लाइक आप चाहते हैं चीज़ों को रिजॉल्व करना, आप एक्शंस ले रहे हैं। हो सकता है आप कुछ एक्शंस ऐसे ले रहे हैं जो मिस्टीरियस हैं, जो आपने बिहाइंड द सीन रखे हुए हैं। लाइक आप चाहते हैं रिजॉल्वमेंट,
अगर आपके लव पार्टनर के साथ ये रिजॉल्वमेंट है या फिर आपकी फैमिली में है कोई लव पार्टनर के साथ इश्यूज़ हैं या आपकी फैमिली में इश्यूज़ हैं, तो आप इसके ऊपर आप चाहते हैं कि ये ठीक हो, आपने नज़र की है कि ये ठीक हो, बट आप उसके लिए एक्शंस जो भी ले रहे हैं, जो भी आपके एक्शंस हैं वो हिडन हैं, आप सामने आकर कोई एक्शन नहीं ले रहे, लाइक आप किसी को बताना ही नहीं चाहते कि आप बिहाइंड द सीन शायद कुछ कर रहे हैं, तो ये और ऊपर से आप जो है वो बिल्कुल नॉन सीरियस नज़र आ रहे हैं, बट बिहाइंड द सीन शायद आप बिहाइंड द सीन आप कुछ ऐसे एक्शंस कर रहे हैं जो जिनसे रिजॉल्वमेंट हो सकती है, फर्स्ट 10 डेज में आपकी ये एनर्जी होगी। और अगर मैं जस्ट ये देखूं कि आप किसी इंट्यूटिव पर्सन के हवाले से के से अपने मसले के हल की जो है वो एडवाइस ले रहे हैं या आप उनसे हेल्प ले रहे हैं, आप जस्ट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर, एक न्यू एनर्जी आप फील करेंगे फर्स्ट 10 डेज में, इन जनवरी फर्स्ट 10 डेज। कैप्रिकॉन में आपका न्यू मून है, कैप्रिकॉन इज़ योर सिक्स हाउस, नो कैप्रिकॉन इज़ योर फिफ्थ हाउस, सो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं और आपके आपका जो पैशन है, लाइक आप उस काम को बहुत पैशन से कर रहे हैं, जो भी क्रिएटिव काम है आपका उसको आप बहुत ज़्यादा पैशन से कर रहे हैं और आपने ये चीज़ हाइड रखी हुई है, और आप कुछ मिस्टीरियस से बने हुए हैं लोगों के सामने, लोगों के सामने आप इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं, बट आप जो काम कर रहे हैं वो बिहाइंड द सीन है, इसलिए किसी को नज़र नहीं आ रहा, किसी को बताए बगैर कर रहे हैं, तो इसलिए लोग आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं। सो आपके जो मिडिल 10 डेज हैं उसमें है टू ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सो लॉट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, न्यू मून एनर्जी वो आपके फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस जो है वो एनर्जी होती है, लव ट्रू लव का कार्ड होता है, तो आपका और क्रिएटिविटी का भी कार्ड है, तो मतलब क्रिएटिविटी का हाउस होता है, तो क्रिएटिविटी में आपके बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, कुछ आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं आप, आपने डिसीजन लिया है उस चीज़ को क्रिएट करने का, आप लाइक आपका जो डिसीजन है, न्यू आइडिया, न्यू एनर्जी, न्यू आइडिया, जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं उसके उस पे काम करने का भी ये टाइम है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, अगर अगर ये लव रिलेशनशिप है जिसमें आपकी फाइट है अपने पार्टनर से या फैमिली से, तो नाउ अब आप जो है डिवाइन से आपने हेल्प ली और आपको डिवाइन की तरफ से एक न्यू स्टार्ट मिल रहा है, डिवाइन की हेल्प की मदद से अब आप अपना डिसीजन ले रहे हैं, इस पे अपने डिसीजन को, यानी आप इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि ये जो भी फाइटिंग सिचुएशन है वो एंड हो, इसको एंड करने के लिए आप एक्शंस ले रहे हैं और इसमें आप बहुत ज़्यादा कामयाब भी हो सकते हैं, लाइक जस्ट जस्ट फाइट को एंड करने के लिए, रिलेशनशिप को एंड करना कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जस्ट फाइट और जो भी बैड सिचुएशन चल रही है वो एंड होने के चांसेस हैं, और एक न्यू जिसमें आपको न्यू सक्सेस रिकॉग्निशन मिल रही है, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो उस सिचुएशन में भी आपका जो रिलेशनशिप है नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, आपका रिलेशनशिप ऑफिशियल हो सकता है इस टाइम। आप इसे फायर साइन से डील कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे वॉन्ड्स कार्ड हैं, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं और पाइसेस भी हो सकते हैं वो, एंड ऑफ द मंथ में आपकी पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, सो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अगर कोई नया लव ऑफ़र आपके पास आ सकता है इन एंड ऑफ द मंथ में, तो आप उसे रिजिस्ट करेंगे और आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके गट्स आपको ये कह सकते हैं कि हो सकता है वो पर्सन जो है वो ट्रिकी हो, स्नीकी हो, और आप लाइक नॉन सीरियस, अनट्रस्टवर्दी हो सकता है,
जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है आप और आप ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, जो भी सिचुएशन है, आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन जो है वो आपको ट्रिक करने की कोशिश करे, और अगर आप रिजॉल्वमेंट चाह रहे थे, जस्ट आप चाह रहे हैं और आप हो नहीं रही है, तो कुछ हो सकता है आप किसी को ट्रिक करके रिजॉल्वमेंट की तरफ लाने की कोशिश करें, या कोई आपको ट्रिक करके रिजॉल्वमेंट की तरफ लेके आने की कोशिश करें, लेकिन आप अपने आप को डिफेंसिव साइड पे रखेंगे, किसी ट्रिकी सिचुएशन से अपने आप को बचा के रखने की कोशिश करेंगे। अगर लाइक जैसे आपका कोई पॉइंट है, आपके पर्सन का कोई पॉइंट है, तो आप अपने पर्सन को जस्ट घुमा फिरा के अपने पॉइंट पे ला कर जो है दोबारा से पैचअप करने की कोशिश करें, लाइक आपका भी काम हो जाए और आपका पैचअप भी हो जाए, और आपके पर्सन जो है वो जस्ट ट्रिक में आ जाए और ये बस रिजॉल्वमेंट हो जाए। ऐसी अगर आप सिचुएशन करने की कोशिश करें, तो इसमें जो जो भी पर्सन जो है वो डिफेंसिव, जो भी ट्रिक हो सकता है वो डिफेंसिव साइड पे होगा। लाइक अगर आप ट्रिक करने की कोशिश करें, अपने पॉइंट पे लाने की कोशिश करें अपने पार्टनर को, तो वो आपका पार्टनर जो अपने आप को डिफेंसिव साइड पे रखेगा। अगर आपका पार्टनर आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने आप को डिफेंसिव साइड में रखेंगे, और या तो आपकी फैमिली फैमिली मेम्बर्स, जैसे कि मैंने कहा कि फैमिली फ़ाइट हो सकती है, तो फैमिली अगर फैमिली की तरफ से ये ट्रिकी सिचुएशन आ सकती है, तो उसमें भी आप अपने आप को डिफेंसिव साइड में रखेंगे। बट बस जो अपने मर्जी के काम कर करके चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें बिहाइंड द सीन स्नीकी होकर, तो आप उसको समझ जाएंगे, उसकी ट्रिक को, और अपने आप को डिफेंस साइड पे रखेंगे। इसके अलावा आप अपने आप को इन चीज़ों से भी, अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है आपके पार्टनर के बारे में, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उससे, आपके पार्टनर के बारे में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उससे भी डिफेंस, अपने आप को डिफेंस साइड पे रखेंगे, अपने आप को ट्रिक होने नहीं देंगे, किसी की मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे। अगर आप रिजॉल्वमेंट चाह रहे हैं, तो जो लोग बस आप हो सकते बिहाइंड द सीन आप कोई काम कर रहे हैं ऐसा जो आप किसी को मालूम नहीं होने देना चाहते। लेट्स सी व्हाट्स योर रोमांसेज ऑरेकल मैसेज फिर गो। Unrequited love, there is no enough attraction or capacity to keep this relationship going. आप जस्ट रिजॉल्वमेंट चाह रहे हैं, बट आप रिजॉल्वमेंट कर नहीं रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये फीलिंग्स हैं कि इस टाइम पे आपको अभी इस रिलेशनशिप की, अभी लव की लव के लव पे टाइम देने का भी आपके पास टाइम नहीं हो, और आप जस्ट बिहाइंड द सीन कुछ कर रहे हैं। बहुत अ लॉट ऑफ एक्शंस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं जिसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है, आप वो बता नहीं रहे हैं, आपने उस चीज़ को मिस्टीरियस और हाइड रखा हुआ है। जस्ट आपके दिल में लव है, बट अभी टाइम नहीं है कि आप उस अपने आप उस लव पे आप अपना टाइम स्पेंड करें, अभी आप किसी और चीज़ में अपना ध्यान लगा रहे हैं। इस टाइम पे आपकी एनर्जी ऐसी है कि अभी अनरिक्वायर्ड है आपके लिए लव। दिस कुड बी द वन यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप जिसके लिए भी ये सब कुछ कर रहे हैं, वो आप जिस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप में इस वक्त हैं, वो पर्सन आपके लिए ही आपका परफेक्ट पार्टनर है, आपका रोमांटिक पार्टनर है। जस्ट आप वेट कर रहे हैं, वेट करना चाहते हैं जनवरी का मंथ में, उसमें आप जस्ट होप कर रहे हैं कि सब चीज़ें बेहतर होंगी, और स्टिल आप जो है वो मिस्टीरियस हैं लोगों के लिए इस टाइम पर। वेयर गोज, ये थी आपकी रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।